हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विद्युत सेल क्या होता है। तो गाइस आप लोगों को समय को ना गंवाते हुए आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। विद्युत सेल क्या है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि विद्युत सेल क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत सेल आप लोग कई जगह अपने व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक जीवन में विद्युत सेल का कई जगह आप लोगों ने उपयोग किया है, कई जगह उपयोग करते हैं। तो विद्युत सेल के बारे में जानते हैं। तो विद्युत सेल के बारे में एक लाइन हम लिखना चाहते हैं, वो विद्युत सेल क्या होता है। जानते हैं आप क्या होता है विद्युत सेल और विद्युत सेल और संधारित्र। विद्युत सेल और संधारित्र, विद्युत सेल क्या होता है, वो धारा को जो है लगातार देता है, धारा को लगातार देता है, आपको जो है जो धारा की जरूरत होती है वो लगातार देता रहता है, एक निश्चित मान तक देता है। और जो आपकी संधारित होती है वो धारा को एकाएक देता है, फिर बंद हो जाता है, एकाएक देता है फिर बंद हो जाता है। और सेल जो होता है वो लगातार धारा देती रहती है, लगातार धारा का प्रवाह करता रहता है। तो ध्यान से समझिएगा कि विद्युत सेल क्या होता है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि सेल की डिजाइन कुछ इस प्रकार होती है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या बना दिया, एक विद्युत सेल का निर्माण किया। ध्यान से समझिएगा विद्युत सेल में क्या क्या होता है। विद्युत सेल में सबसे पहली बात तो एक ऐसा पात्र लिया जाता है जिसमें कि हम लोग क्या भर सके, विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया जाता है। विद्युत सेल में क्या होता है, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया जाता है। विद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या भरा जाता है, H2SO4 हो सकता है, H2SO4 इसमें भर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब कहोगे कि विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है, जो कि आयनों में टूट जाए, वे पदार्थ जो आयनों में, छोटे छोटे आयनों में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। तो ये किस आयन में टूटता है जानते हैं, ये टूटता है H और HSO4, इस आयन में टूटता है। ये किस में टूट जाता है, H और HSO4 के रूप में ये जो पदार्थ होता है ये टूट जाता है। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो आयनों में विखंडित हो जाते हैं वो विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। तो एक पात्र में विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया जाता है। इसका गुण क्या रहता है कि जब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि धातु की छड़ को इसमें डालते हैं, ये देखिए दो ठो धातु की छड़ हो गई, इन दोनों धातुओं की छड़ों को जब विद्युत अपघट्य पदार्थ में डालते हैं तो विद्युत अपघट्य की विशेषता ये होती है, विद्युत अपघट्य में यह गुण पाया जाता है कि यह एक प्लेट को धन कर देता है, एक प्लेट को क्या कर देता है, ऋण कर देता है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा कि जब विद्युत अपघट्य पदार्थ में हम लोगों ने धातुओं की दो ठो छड़े डाल दिए तो धातुओं की दोनों छड़े पहले से धन और ऋण नहीं थी, जब उनको हम लोगों ने विद्युत अपघट्य पदार्थ में डाला तो इनका यह गुण होता है कि यह एक प्लेट को धन कर देंगे और एक प्लेट को क्या कर देते हैं, ऋण कर देते हैं। तो जो प्लेट धन हो जाता है उसका नाम एनोड हो जाता है, जो प्लेट धन होता है उसका नाम एनोड हो जाता है, और जो ऋण प्लेट होता है उसका नाम क्या हो जाता है, कैथोड हो जाता है। क्या हो जाता है, कैथोड हो जाता है। फिर से पुनः रिपीट करते हैं आपको, जिससे ये सारी डाउट क्लियर हो जानी चाहिए। विद्युत, सबसे पहली बात, एक पात्र में विद्युत अपघट्य को भरकर उसमें धातु की दो ठो विभिन्न छड़े डाल दी जाती हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन दोनों छड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों छड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। धन वाले प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ऋण वाले प्लेट को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और ये जिस पदार्थ में डाला जाता है उसका नाम क्या होता है, विद्युत अपघट्य। क्या होता है, विद्युत अपघट्य। ऐसा पदार्थ जो आयनों में विखंडित हो जाता है वो क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि अब ये क्या होता है, यह जो विद्युत सेल होता है वो एक प्रकार की युक्ति होती है, एक प्रकार की क्या होती है, युक्त होती है, जो कि क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग इसे यह भी कह सकते हैं कि ये करंट स्टोर करने का, यानी धारा स्टोर करने का एक प्रकार का यंत्र होता है, इसमें धारा को स्टोर करके रखा जाता है, जिससे कि हम लोगों को कहीं जरूरत पड़ती है तो हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं। तो आइए गाइस हम लोग लिखते हैं विद्युत सेल क्या होता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या बदल देता है। ध्यान दीजिएगा, अब आप यहाँ से एक बात समझिएगा कि विद्युत सेल में विद्युत सेल बनता कैसे है। मैंने आपको बताया ना कि विद्युत सेल कैसे बनता है, कि विद्युत अपघट्य पदार्थ में धातुओं की दो धातुओं की छड़े डाल देते हैं,
एक पर धन आवेश हो जाता है, एक पर ऋण आवेश हो जाता है। जो धन होता है वो आपका एनोड कहलाता है, जो ऋण होता है वो आपका क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। तो ध्यान से समझिएगा, अब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब यह जो सेल होता है वो दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, विद्युत सेल के प्रकार, विद्युत सेल के प्रकार। तो इसमें सबसे पहला आता है प्राथमिक सेल। कौन सा सेल आता है, प्राथमिक सेल, ठीक, इसे ही हम लोग शुष्क सेल भी कहते हैं। और दूसरा होता है द्वितीयक सेल, इसे हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। इसे प्राइमरी सेल कहते हैं, इसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल वो होता है गाइस, आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो घड़ी उड़ी में लगे रहते हैं सेल, देखा है ना अपने, जो घड़ियों में सेल लगा रहता है, जो कि आपके टार्च में सेल उपयोग किए जाते थे, वो सब सेल क्या होते थे कि एक बार उनको चार्ज कर दिया जाता था, तो दोबारा वो चार्ज नहीं किए जा सकते थे। अर्थात एक बार आप उपयोग में ला लिए, एक बार उसका उपयोग कर लिए, उपयोग करने के बाद दोबारा हम लोग उसको उपयोग में नहीं ला सकते। एक बार वो उसका चार्ज खत्म हो जाता था तो उसको हम लोग दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते थे। वो आपका क्या कहलाता था, प्राथमिक सेल कहलाता था। अब ध्यान दीजिए कि प्राथमिक सेलों का उपयोग कहाँ किया जाता है, प्राथमिक सेलों का उपयोग ऐसे स्थानों में किया जाता है जैसे आपके कार हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, बाइक हो गई, तो इन जगह शुष्क सेलों का उपयोग यानी प्राथमिक सेलों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है बताएं गाइस, क्योंकि ये अगर आप सोचो कि प्राथमिक सेल को क्या कहा जाता है, शुष्क सेल कहा जाता है। एक मिनट के लिए आप समझिए। अब शुष्क सेल में क्या होता है कि जो ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है वो सूखा होता है। क्या होता है, सूखा होता है, इसमें लिक्विड नहीं मिलाई जाती, इसमें सूखे मिलाए जाते हैं। क्यों मिलाया जाता है गैस, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, यदि कार में जो है शुष्क सेल का उपयोग ना करके द्रवी वाले सेल का उपयोग किया जाए, द्वितीयक सेल का उपयोग किया जाए, तो उसमें क्या होगा कि जब वो लिक्विड भरा रहेगा तो कार चलेगी तो लिक्विड छलक जाएगा, लिक्विड गिर सकता है। तो इसलिए वहां हम लोग किस सेल का उपयोग करते हैं, शुष्क सेल का उपयोग करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक सेल क्या होता है, जिसको हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, जिसको हम लोग दोबारा आवेशित नहीं कर सकते, वो हमारा क्या कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक सेल, ये बातें क्लियर हो गई। जैसे डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, ये सब क्या है, प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल है। तो गाइस प्राथमिक सेल हो गया। द्वितीयक सेल क्या होता है, वह सेल या वह ऐसा सेल जिसको हम लोग एक बार चार्ज कर देते हैं, फिर उपयोग में कर लेते हैं, फिर ये आपका जो है दोबारा इसको चार्ज करके फिर से उपयोग में लाया जाता है। जैसे आपके मोबाइल के चार्ज हो गए, सॉरी मोबाइल का जो सेल हो, बैटरी हो गया, और कुछ ऐसे जो आते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, इनको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें कि प्राथमिक सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल केवल आप इसे यह जानिएगा, इसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, इसे दोबारा आवेशित यानी चार्ज नहीं कर सकते, और ये जो द्वितीयक सेल होता है इसे दोबारा आवेशित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसे दोबारा हम लोग आवेशित नहीं कर सकते, इसे दोबारा आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। पुनः गाइस हम लोग एक बार पुनः रिपीट करते हैं, जिससे कि आपका जहां भी डाउट रह गया हो सारी डाउट क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले हमने आपको बताया कि सेल क्या होता है, सेल कैसे बनता है। तो एक पात्र लेंगे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ को रख देते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ में धातु की दो छड़े डुबो देंगे, तो एक छड़ जो है एनोड कहलाता है, एक छड़ क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। जिसपे धन प्लेट होगा वो एनोड होगा, जो ऋण प्लेट होगा वो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। इन दोनों प्लेटों को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, और वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जो आयनों में विखंडित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ करते हैं कहलाते हैं। इस प्रकार हम लोग का जो सेल बनता है। अब सेल क्या होता है, सेल एक प्रकार का जो है धारा स्टोर करने का, धारा संग्रहित करने का एक यंत्र होता है।
ये धारा को जो है लगातार प्रवाहित करता रहता है, यह धारा को लगातार परिपथ में देता रहता है। आगे ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा, यह एक प्रकार की युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। अर्थात गाइस ध्यान से समझ आ जाए तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला जो उपकरण होता है वो इलेक्ट्रिक सेल अर्थात विद्युत सेल कहलाता है। बात समझ में आ रही ना, अर्थात विद्युत सेल अगर बात कर लिया जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत सेल आपके दो प्रकार के होते हैं गाइस। कौन कौन सा होता है, प्राथमिक सेल जिसे हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं, और दूसरा द्वितीयक सेल जिसे हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। इसे हम लोग शुष्क सेल के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग गीला सेल या हम लोग कह सकते हैं कि द्रवीय सेल कहते हैं। कौन सा सेल, द्रवीय सेल। तो प्राथमिक सेल क्या होता है गाइस, ऐसा सेल जिनको हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, अगर एक बार हम लोगों ने उपयोग कर लिया तो दोबारा इसको हम लोग उपयोग में नहीं ला सकते, इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। और द्वितीयक सेल क्या होता है, इसे हम लोग दोबारा चार्ज कर सकते हैं, दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और सेल आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बात आती है कि सेल को हम लोग कैसे परिपथ में दिखाएंगे, सेल का सिंबल कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा सेल का प्रतीक तो सेल का प्रतीक क्या होता है, एक आपका धन होगा तो धन वाले प्लेट को हम लोग जो है क्या दिखाते हैं, बड़े से दिखाते हैं, और एक क्या होता है आपका ऋण होता है, तो ये ऋण हो गए, तो ये ऋण प्लेट ये हो गया, धन प्लेट ये हो गया, और इसको हम लोग एक वायर से जोड़ देते हैं। तो किस कहीं भी परिपथ में अगर हम लोग सेल के सिंबल को दिखाएंगे तो हम लोग ऐसा उपयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, बातें समझ में आई गाइस, कि आई होप आज की वीडियो आपको जो है जरूर जो है पसंद आई होगी, और जो भी आज के लेक्चर में बताया गया होगा वो आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।